एसर प्रीडेटर हेलियोस 300। गाइज आपने इस लैपटॉप का नाम तो सुना होगा। हाँ, इसी वीडियो में हम इस लैपटॉप की अनबॉक्सिंग करेंगे और एंड में कुछ आपको ऐसे रीजंस भी बता दूंगा जिस वजह से आप इस लैपटॉप को कंसिडर कर सकते हो। तो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अगर आप एक ऐसा लैपटॉप बाय करना चाहते हो जिसको लॉन्ग टाइम तक यूज़ करना चाहते हो और आपका बजट भी अच्छा खासा है तो आप इस लैपटॉप को कंसिडर कर सकते हो। इस लैपटॉप की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी डिसेंट रहने वाली है। इस वीडियो में मैंने गेम प्ले भी इंक्लूड किया है तो यहाँ पर आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको ये लैपटॉप बाय करना है या नहीं। अगर आप ऑटोकैड, 3D मॉडलिंग या वीडियो एडिटिंग के लिए कोई लैपटॉप परचेज करना चाहते हो तब उस सिनेरियो में आप इस लैपटॉप को कंसिडर कर सकते हो। तो चलिए अब देख लेते हैं इस लैपटॉप की अनबॉक्सिंग। यह है एसर प्रीडेटर 300 हेलियोस का बॉक्स जो कि काफ़ी डिसेंट क्वालिटी के साथ में आने वाला है। इस बॉक्स के ऊपर आपको मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स देखने को मिल जाएगी, MRP वगैरह देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ में यहाँ पर आपको मॉडल नंबर भी देखने को मिल जाएगा। काफ़ी डिसेंट क्वालिटी का बॉक्स है, पैकेजिंग में आपको कोई भी इश्यू देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए अब इस लैपटॉप के बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। इस लैपटॉप के बॉक्स में आपको एक लिफाफा देखने को मिल जाएगा ब्लैक कलर का। इसी के साथ में आपको एक चार्जर का बॉक्स देखने को मिल जाएगा, मतलब कि आप समझ रहे हो डिब्बे के अंदर आपको डिब्बा देखने को मिल जाएगा। और यह है अपना प्रेडेटर लैपटॉप और यह भी बॉक्स के अंदर आने वाला है, मतलब कि डिब्बे के अंदर डिब्बे यहां पर दिए जा रहे हैं। तो आप देख सकते हो पैकेजिंग इस लैपटॉप की काफी डिसेंट लेवल की रहेगी। लिफाफे में यहां पर आपको कुछ पुस्तिकाएं देखने को मिल जाएगी जिसको आप रीड आउट कर सकते हो। और ये लैपटॉप का चार्जर है जो कि 230 वॉट का रहने वाला है और ये भी अलग से आपको डिब्बे में देखने को मिल जाएगा। तो पैकेजिंग में यहाँ पर एसर ने कोई भी कंजूसी नहीं की है। अब ये लैपटॉप फिर से एक बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा तो इसको ओपन कर लेते हैं जल्दी से। और लैपटॉप को एक कपड़े में कवर किया गया है तो आप समझ सकते हो कि पैकेजिंग में यहाँ पर कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगी। और यह है एसर प्रीडेटर 300 हेलियोस लैपटॉप जो कि काफी डिसेंट पैकेजिंग के साथ में आ जाएगा। तो ये थी सिंपल और क्विक अनबॉक्सिंग। अब चलिए इस लैपटॉप को बूट कर लेते हैं। तो ये लैपटॉप काफ़ी क्विकली से बूट हो जाता है क्योंकि इस लैपटॉप में आपको 512 GB की M.2 SSD देखने को मिल जाती है। एंड आपको पता ही है कि SSD की वजह से लैपटॉप की परफॉर्मेंस काफ़ी स्मूथ रहती है। इसमें आपको 1 TB की हार्ड ड्राइव भी देखने को मिल जाती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले इसकी कॉन्फिग्रेशन चेकआउट कर लेते हैं। इसमें आपको इंटेल का Core i7-11800 SCPU देखने को मिल जाता है और ये 11th जनरेशन का CPU रहने वाला है। इसमें आपको 8 Core 16 Thread देखने को मिल जाएंगे तो काफी डिसेंट लेवल का CPU रहेगा। यहाँ पर आप हेवी टास्क कर सकते हो, गेमिंग वगैरह कर सकते हो। परफॉर्मेंस को लेकर आपको कोई भी डाउट नहीं रखना है। इस लैपटॉप में आपको 16 GB की DDR4 3200 MHz की रैम देखने को मिल जाती है जिसको आप 32 GB तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको रैम अपग्रेड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। स्टोरेज में यहाँ पर आपको 512 GB की M.2 SSD देखने को मिल जाती है और ये माइक्रोन ब्रांड की रहने वाली है। इसी के साथ में आपको 1 TB की हार्ड ड्राइव भी देखने को मिल जाती है तो इस लैपटॉप में स्टोरेज की कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगी। यह लैपटॉप हाइब्रिड स्टोरेज ऑप्शन के साथ में आने वाला है। वायरलेस कनेक्टिविटी में यहाँ पर आपको इंटेल की तरफ से किलर वाईफाई 6AX1650i मॉड्यूल देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप 5G स्पीड को आसानी से यूज कर पाओगे और ब्लूटूथ 5.1 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और ग्राफिक्स में यहाँ पर आपको NVIDIA की तरफ से GeForce RTX 3060 ग्राफिक्स देखने को मिल जाता है जिसमें आपको 6 GB की GDDR6 टाइप की मेमोरी देखने को मिल जाती है। तो अगर आपको हेवी गेम्स प्ले करने हैं
है, 3D मॉडलिंग वगैरह करनी है या इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर वगैरह रन करना चाहते हो तो कोई भी इश्यू यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। बैटरी की बात करें तो इस लैपटॉप में आपको 4 सेल 59 वाट आवर की लिथियम आयन बैटरी देखने को मिल जाती है। तो लैपटॉप का बैटरी बैकअप अराउंड 4 से 5 घंटे का आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा नॉर्मल यूजेज में। वेबकैम की बात करें तो इसमें आपको HD वेबकैम का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और इसमें आपको SHDR का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो वीडियो कॉलिंग का एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहेगा। और वेबकैम के साथ में आपको इंटीग्रेटेड माइक के ऑप्शन भी देखने को मिल जाएंगे, तो यहाँ पर आपको एक्सटर्नल वेबकैम और माइक की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इस लैपटॉप के कीबोर्ड की बात करें तो हमें यहाँ पर 4-Zone RGB कीबोर्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हो और जो की ट्रेवल है वो भी काफी डिसेंट लेवल का रहेगा। डिस्प्ले की बात करें तो इस लैपटॉप में आपको 15.6 इंच की IPS पैनल की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और ये क्वाड SD रेजोल्यूशन के साथ में आने वाली है। इसमें आपको 300 नेट्स और 100% sRGB का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इसी के साथ में आपको एंटी ग्लेयर कोटिंग भी देखने को मिल जाएगी और ये डिस्प्ले 165 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में आने वाली है और यहाँ पर आपको 3 मिलीसेकंड का रेस्पॉन्स रेट देखने को मिल जाएगा। तो डिस्प्ले इस लैपटॉप की काफी जबरदस्त रहेगी। अगर आप कंटेंट क्रिएट करना चाहते हो, फोटोशॉप वगैरह रन करना चाहते हो, कलर करेक्शन का काम करते हो तो यहाँ पर आप आसानी से कर पाओगे। इसी के साथ में जो गेमिंग का एक्सपीरियंस है वो भी काफी जबरदस्त रहने वाला है। यहाँ पर क्वालिटी आप खुद देख सकते हो। डिस्प्ले को लेकर आपको कोई भी डाउट नहीं रखना है। अब चलिए बात कर लेते हैं इस लैपटॉप के फिजिकल ओवरव्यू की। तो ये लैपटॉप देखने में काफी प्यारा लगता है, काफी एस्थेटिक डिजाइन के साथ में आता है। डिजाइन को लेकर आपको कोई भी डाउट नहीं रखना है। यहाँ पर जो इसका लिड कवर है वो मेटल का रहने वाला है और जो पाम रेस्ट है वो भी मेटल का रहेगा। ट्रैक पैड में यहाँ पर आपको मल्टी गेसर सपोर्ट देखने को मिलता है और इस लैपटॉप का वेट 2.3 kg का रहने वाला है। बिल्ड क्वालिटी को लेकर आपको कोई भी इश्यू देखने को नहीं मिलेगा। वेंटिलेशन के लिए इस लैपटॉप में आपको पीछे की तरफ 2 एग्जॉस्ट देखने को मिल जाते हैं और साइड प्रोफाइल पर भी आपको वेंट देखने को मिल जाते हैं। तो ये लैपटॉप कूलिंग के मामले में काफी डिसेंट रहने वाला है। इस लैपटॉप में आपको 5th जनरेशन एरोब्लेड 3D टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है। इसमें आपको कूल बूस्ट सेंस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो ये लैपटॉप हैवी टास्क के दौरान या गेमिंग के दौरान ज्यादा हीट नहीं होगा। और इस लैपटॉप में आपको एक और खास चीज देखने को मिल जाती है, लैपटॉप के अंदर जो फैन है उनकी स्पीड को आप मैनुअली सेट कर सकते हो, तो ये वाली चीजें आपको जरूर से पसंद आने वाली है। कूलिंग के मामले में ये लैपटॉप काफी डिसेंट रहने वाला है और काफी नेक्स्ट लेवल का रहेगा। अब चलिए इस लैपटॉप के पोर्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। लेफ्ट साइड में आपको एक RJ45 लैन पोर्ट देखने को मिल जाता है। इसी के साथ में यहाँ पर आपको 2 USB 3.2 Gen 2 टाइप ए के पोर्ट देखने को मिल जाएंगे। 3.5mm का हेडफोन माइक्रोफोन कॉम्बो जैक देखने को मिल जाता है। राइट साइड में आपको एक USB टाइप सी थंडरबोल्ट 4.0 का पोर्ट देखने को मिल जाता है, एक USB टाइप ए का पोर्ट देखने को मिल जाएगा, एक HDMI 2.1 का पोर्ट देखने को मिल जाता है और रियर की तरफ आपको एक पावर अडैप्टर पोर्ट देखने को मिल जाता है। इस लैपटॉप में आपको सभी जरूरी पोर्ट्स के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। पोर्ट्स को लेकर आपको कोई भी डाउट नहीं रखना है। ऑडियो क्वालिटी की बात करें तो इसमें आपको 2 वाट के ड्यूल स्पीकर देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पर आपको DTS:X का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, तो ऑडियो क्वालिटी इस लैपटॉप की काफी डिसेंट रहने वाली है। इस लैपटॉप पर हमने फायर क्राई 5 रन करके देखा और परफॉर्मेंस भी काफी डिसेंट रहती है, तो मतलब कि यहाँ पर आप 2K रेजोल्यूशन पर आप आसानी से गेमिंग कर पाओगे। नेक्स्ट यहाँ पर हमने एसेसन क्रीड ओडिसी रन करके देखा, ये भी काफी स्मूथली ऑपरेट हो रहा था, कोई भी यहाँ पर आपको लैग देखने को नहीं मिलेगा। इस लैपटॉप की परफॉर्मेंस काफी ऑप्टिमम रहने वाली है।
एसर के इस लैपटॉप में आपको प्रीडेटर सेंस सॉफ्टवेयर देखने को मिलता है, जिसकी मदद से आप अपने कीबोर्ड की आरजीबी को कस्टमाइज कर सकते हो, लैपटॉप की परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज कर सकते हो, फैंस को कंट्रोल कर सकते हो, सीपीयू और जीपीयू की मॉनिटरिंग भी कर सकते हो। तो ये वाला फीचर आपको काफी ज्यादा पसंद आएगा। इस लैपटॉप में आपको फीचर्स की कोई भी कमी देखने को नहीं मिलती है। प्राइस की बात करें तो ये लैपटॉप आपको 1,20,000 के अप्रोक्स देखने को मिल जाता है। इस लैपटॉप की बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर जरूर से चेकआउट करना। तो देखो 1,20,000 रुपए के बजट में ये लैपटॉप काफी अच्छी कॉन्फ़िगरेशन ऑफर कर देता है। इंटेल का i7 11th जनरेशन सीपीयू देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको 8 कोर 16 थ्रेड देखने को मिल जाते हैं। तो इस लैपटॉप पे आप हेवी से हेवी टास्क भी आसानी से रन कर सकते हो। 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर रन करना चाहते हो, वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो, आफ्टर इफेक्ट्स रन करना चाहते हो, वो भी यहाँ पर आप आसानी से रन कर पाओगे। परफॉर्मेंस काफ़ी डिसेंट रहने वाली है और जिस प्राइस पॉइंट पर यह लैपटॉप आता है ये अपनी प्राइस को जस्टिफाई करता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो। और लैपटॉप्स को लेकर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वहाँ पे मैसेज करो, मैं आपको जरूर से रिप्लाई करूँगा। तो मिलते हैं आपको एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।